Speaker, to amend the National University of Technology Act 2018, whereas it is expedient to amend the National University of Technology Act 2018, the manner and for the purpose hereinafter appearing it hereby enacted as follows, shortlist and comment. The Act shall be called National University of Technology Amendment Act 2023. It shall become into force at once. जी आप order of the day बस पढ़ दें, ठीक हो गया जी. A bill to amend the National University of Technology Act 2018, the National University of Technology Amendment Bill 2024 stands introduced. On behalf of Minister for Foreign Affairs, Law Minister साहब, item number 4 move कीजिए. I, on behalf of Minister for Foreign Affairs, beg to lay before the National Assembly the Apostille Ordinance 2024, number 1 of 2024, as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Apostille Ordinance 2024, Ordinance number 1 of 2004, stands laid. Azam Nazir Tar Sahib, Minister for Law, to move item number 5. Sir, I beg to lay before the National Assembly the Annual Report 2022 of the Election Commission of Pakistan as required under Subsection 2 of Section 16 of Elections Act 2017. The Annual Report 2022 of the Election Commission of Pakistan required under Subsection 2 of Section 16 of the Election Act 2017 stands laid. Alia Kamran Sahiba, to move item number 6, calling attention of the Minister of Petroleum Division. जी शुक्रिया स्पीकर साहब. जी मैं वज़ीर बराए पेट्रोलियम डिवीज़न की तवज्जो आवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फौरी आवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाऊंगी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक है. जी मुसद्दिक मलिक साहब. जी लॉ मिनिस्टर साहब, ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम. जैसा कि हम सब के इल्म में है कि पेट्रोलियम जो है हमारी अपनी पैदावार बहुत कम है पेट्रोलियम मसनूआत की, और सारा दारोमदार जो है वो इम्पोर्ट्स के ऊपर है, और नेचुरली जब दारोमदार इम्पोर्ट्स पे है तो जो इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स हैं वो जो जो फ्लक्चुएट करते हैं, अगर वो ऊपर जाते हैं तो कीमत जो है वो बढ़ाना पड़ती है, और अगर वो नीचे आते हैं तो कीमत कम करना पड़ती है. सार्फीन की सहूलत के लिए और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की अवेलेबिलिटी को बिला तातुल जारी रखने के लिए हकूमत ने 15 रोज़ की एक मियाद रखी है. हर 15 रोज़ के बाद पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनकी कीमतें जो हैं उनको एडजस्ट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट को सामने रखते हुए, और जो उसकी तरसील के अखराजात हैं इंटरनेशनली रिफाइनिंग और उसके बाद मुल्क के अंदर जो उसकी तरसील है, अभी पिछले दिनों में इंटरनेशनल मार्केट में $4.25 से लेके $4.50 तक पेट्रोलियम की कीमतों में पर बैरल इजाफा हुआ है. अब वो इजाफा जो है वो जाहिर है सार्फीन के ऊपर आना है, लेकिन हकूमत की हमेशा ये कोशिश रही है कि जिस हद तक मुनासिब नीचे रखा जा सके उसे करे. कीमत बढ़ाने के साथ साथ ये बताते चले जी कि आज भी इन 15 दिनों के लिए सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी की बात में और सपोर्ट की बात में 45 अरब रुपए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने बोझ बर्दाश्त किया है. हुकूमत डिटरमेंड है कि लोगों को मुनासिब कीमतों पे पेट्रोलियम मसनूआत मुहैया रहें. बहुत शुक्रिया जी. जी शुक्रिया. अली मोहम्मद साहब, आप भी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे, आप थे ना मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, तो आप क्या सारी मिनिस्टरों के जवाब दे देते थे या नहीं देते थे? मैं ऑब्जर्वेशन है, प्लीज़ आप रिस्पॉन्ड ना करें. आलिया कामरान साहिबा, टू मूव वन क्वेश्चन. मोहतरम स्पीकर, मैं ये चाहूँगी कि मुझे कुछ बोलने की. जी आलिया कामरान साहिबा, एक सवाल पूछ लूँ इनसे. जी पूछिए सवाल. मैं अपोजिशन से कह रही हूँ. आप पूछिए सवाल. जी मोहतरम, इस मौजूदा हुकूमत ने जब से आई है रवा माह के अंदर जो है 2 दफ़ा पेट्रोलियम की मसनूआत की जो कीमतें हैं ये बढ़ाई हैं. वादा आप लोगों ने कहा था कि हम रिलीफ देंगे आवाम को, लेकिन रिलीफ की बजाय पेन, वो भी मुसलसल पेन और कम वक्तों के साथ.
मोहतरम मसला ये है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे ही आपकी पेट्रोलियम मसनूआत पे कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है और उसका डायरेक्ट असर जो है गरीब आवाम के ऊपर पड़ता है। और जो इसमें सवाल क्या आपका सवाल सर, सवाल इसी से मुतल्लिक है। और जो सब्सिडी दी जाती है वो 15 दिन का एक वक्फा होता है जिसमें अगर कम की जाती है कीमतें तो उसका असर डायरेक्ट नहीं पड़ पाता कि किसी से वो फ़ायदा हो सके। कम अज़ कम इस वक्फे को बढ़ाना चाहिए, इस पॉलिसी पे देखें। और सर जो मेरा मेन सवाल है वो ये है कि जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो शरह आम जो हमारे आम आदमी के नकलो हमल के ज़राए हैं जैसे रिक्शा है आपका स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह है उस पर जो है लेवी जो है वो पेट्रोल उसकी कीमत ज़्यादा है जबकि हाई ऑक्टेन पे जो है उस पर उसकी शरह कम है। तो सर ये एक आम आदमी के साथ जो है ना ज़्यादती है, इसके बारे में भी बताएं। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि पेट्रोलियम मसनूआत क्योंकि इम्पोर्ट होती हैं और उनका जो फ़र्क है रेट का उसको सामने रख के ये सारी कीमतें एडजस्ट होती हैं और 15 रोज़ का ये टाइम है। इस 15 रोज़ में जो ये फोर्टनाइटली चेंज किया गया है, मैं सिर्फ लेवी की मद में और GST को ज़ीरो रखने की मद में 45 अरब रुपये का बोझ बर्दाश्त किया है हुकूमत ने। अब जाहिर है जब एक चीज़ आप ख़रीद 4.5 रुपये में रहे हैं तो आप उसे 3 रुपये में या 2.5 रुपये में नहीं बेच सकते। ठीक है। कोशिश हुकूमत की हमेशा ये रही है कि आम आदमी पे बोझ कम से कम पड़े। जी नईमा किश्वर खान साहबा, टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, पेट्रोल की कीमत में जब निगरान हुकूमत जा रही थी तो उसने बड़ा इजाफा किया, फिर 2 दफ़ा इस हुकूमत ने किया। मिनिस्टर साहब का ये कहना कि आलमी हुकूमतों को आलमी मंडी को देख के हम करें, बिल्कुल गलत है क्योंकि उधर कोई इजाफा नहीं हुआ। हाँ, अगर ये जवाब दे दे कि IMF के कहने पर किया है तो फिर हम मान लेते हैं कि IMF के कहने पर हम आवाम का बुरगस निकालें, कभी बिजली के इजाफे में और कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। लेकिन ये कहना कि आलमी कुवतों का ये जवाब बिल्कुल गलत बयानी, मैं इसको कहूँगी कि बिल्कुल गलत कह रहे। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जब भी इजाफा किया जाता है तो उसमें पैसे के लिए भी करते हैं, जिस तरह इस्तीफा हुआ है कि 259.58 पैसा। ये पाकिस्तान में तो पैसा अब है ही नहीं, तो ये पैसे जब आम आदमी से वसूल किया जाता है ये किधर जाते हैं जो करोड़ों में है? किधर जाता है ये पैसा बताएं। पहले तो मैं फाजल रुकन से ये अर्ज़ कर दूं कि इवन जो मौजूदा 15 रोज़ में जो इजाफा हुआ है वो 2 टीयर्स के ऊपर हुआ है जी। 3.82 पर बैरल का डॉलर, 3.82 डॉलर पर बैरल और 4.30 डॉलर पर बैरल का रिस्पेक्टिवली इजाफा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में, इसी वजह से ये इजाफा किया गया। अब जो वो फिगर राउंड करने वाली बात है, क्योंकि जब वो बल्क में उसकी की जाती है कीमत का तयन तो ज़ाहिर है उसको बैरल से जब लीटर्स में आता है तो वो पैसों में आता है, वो आम तौर पे फिगर्स राउंड हो जाती हैं। आपको ये इख्तियार है ग्राहक को कि वो तलब करे जो उसकी कमी बेशी है, क्योंकि ये बल्क में फरोख्त होता है कि आधा लीटर खरीदने नहीं जाता जी। बहुत शुक्रिया। मोशन मूव कीजिए लॉ मिनिस्टर साहब, मोशन मूव कीजिए।